हाल ही में शिमला में हुए फैशन शो जिसे दीपक चतुर्वेदी एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नागपुर के आदित्य इन्होंने विजेता पद जीतकर एनिग्मा मिस्टर इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया, जिसकी शर्म में हर कोई सराहना कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदित्य ने बताया कि नागपुर ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नागपुर में ही हुई, लेकिन बचपन से सीधे और सरल दिखने वाले आदित्य का रुझान फैशन जगत में था और स्कूल में होने वाले एक फैशन शो में विनर बनने के बाद उनके हौसले को जैसे पंख लग गए। वैसे तो ये बात पुरानी है, लेकिन वहां से ही उम्मीद और जज्बे की किरण ने जन्म लिया। फिर क्या था, आदित्य ने इस फील्ड में कदम रखा और बहुत ही कम समय में ही नागपुर के आशीष एनेक्स ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए और धीरे धीरे आदित्य बन गए मिस्टर इंडिया 2021। इंडिया से पार्टिसिपेंट आए थे, हर इंडिया, पूरे इंडिया से, और ये शो में तीन राउंड है, एक ट्रेडिशनल राउंड, एक वेस्टर्न राउंड और एक कैजुअल राउंड, और सबने काफ़ी अच्छा दिया अपना, सबने अपना बेस्ट दिया और मैं इस शो में बेस्ट वॉक का मुझे अवार्ड मिला है, बेस्ट लुक का अवार्ड मिला है और फिर टाइटल भी मुझे ही मिला है। आदित्य ने बताया कि इसके पहले उनका एक गाना भी आया है जिसमें उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक मैसेज भी दिया। सोशल वर्क भी आदित्य लगातार करते रहते हैं और कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले नागपुर के पत्रकार साथियों को आदित्य के माध्यम से सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।